बताएंगे क्या बात है? आपने फूल कवर की बात मानी और जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। फिर यूं वो लड़का की क्यों बैठे आप तब से? अब वो आपको क्या बताया भौजीराज? चक्रपाणी, क्या ये फल फेंक कर आप ये छिलका क्यों खा रहे? अब बहुत हो गया, बताइए हमें क्या बात है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मारिए हमें, हम इसी हो गए हैं। चक्रपाणी, हमसे नहीं बोला जाएगा, हम लज्जित हैं। छोड़िए ना चक्रपाणी, पुरोहित जी के यहाँ आपने जो किया उससे अधिक लज्जित करने वाली बात भला क्या हो सकती है? बाबूजीराज, हम राजपुरोहित जी की लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या? अब तो आप सब कुछ जान गए हैं ना, किसमें चक्रपाणी की कोई गलती नहीं थी, वो तो हमारी योजना थी वर प्रताप को नीचा दिखाने के लिए। अब तो आप क्षमा कर देंगे ना चक्रपाणी को? और फिर जब से उन्होंने आपको देखा है वो तो बिल्कुल ही बदल गए हैं, हर समय आप ही के बारे में सोचते रहते हैं वो। अच्छा देख, ये क्या बोल रही हैं आप? जानते हैं आप? पर हमारे दादा बहुत दुखी हैं, बहुत अपमानित अनुभव कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे अब, और हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? परंतु क्या? यदि आप हमारे दाता को समझा सके तो। चलो फिर कोई बात नहीं, पुरोहित जी को समझाने के लिए बस एक और छोटी सी योजना बनानी पड़ेगी। चक्रपाणी, आपकी बुद्धि है ना सचमुच भ्रष्ट हो गई। कभी कहते हमें विवाह नहीं करना है, कभी कहते हमें विवाह करना है, कभी कहते हमें फांसी लगाकर मरना है, कभी कहते किले की दीवार से कूदकर मरना है। देखिए बाबूजीराज, आपने हमें किले की दीवार से गिराने का प्रयास किया था। हमने आपको गिराने का प्रयास नहीं किया था, हमने आपको बचाया था, समझ गए? देखिए बाबूजीराज, हम जानते हैं कि आपके लिए इन भावनाओं को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया वैसा जैसा इस समय हम अनुभव कर रहे हैं सौभाग्यवती के लिए। चक्रपाणी, आप जानते हैं ये सब बातें करते समय आप कितने पागल लग रहे हैं? आपने सौभाग्यवती से ऐसा क्यों कहा कि चक्रपाणी हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं? किस आधार पे बोला आपने ऐसा? पता नहीं फूल, हमें लगा हमने कह दिया और वो बात सच भी निकली। और फिर आप तो जानती है ना कि हमें सब कुछ पहले से पता चल रहा था। पता नहीं क्यों पर हमें लग रहा है कि हम इस पर पहले से ही बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। देखिए बाबूजीराज, हमें सौभाग्यवती अच्छी लगती है, अब आप बताइए आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं? अब आप अपनी योजना इनके साथ साझा कर सकती हैं। चक्रपाणी, आप किसी भी लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लड़कियां तो समस्याएं होती हैं। क्या? हाँ कहा तो सुन लिया जब ये विचार है इनके हमारे। हमने आपसे पहले ही कहा ये लोग इस योग्य ही नहीं, एक तो इतनी कठिनाइयों में भी हम इन्हें इनके विवाह की योजना बताने आए थे, और इन्हें देखिए। देखिए अब हमें आपकी कोई भी योजना नहीं सुननी। ठीक, अच्छा चलिए हमारे। क्षमा कर दीजिए मेरे मित्र को, मित्रे भोले है ना इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब तो बस बताइए कि आपके पास क्या योजना है। ठीक, पर अपने मित्र से कह दो कि इन्हें इनका पूरा सहयोग देना। आप बोल दीजिए बाबूजीराज। नहीं, हम पहले इनकी योजना सुनेंगे उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। रावजी ने कुंवर प्रताप से शस्त्र अभ्यास के लिए महल का एक सिर सुरक्षित करवा दिया, किंतु क्या हमारे निर्देशानुसार उनके आवास के पर्दे हर दिन बदले जा रहे हैं? ये रहा वल्ला, हर शोभे में इस कदर अहमियत दी जा रही है प्रताप को,
मुझे इनका पीछा करते करते पहुंचना चाहिए प्रताप तक। आखिर मैं भी तो देखूं कि ऐसी क्या चीज है कुंवर प्रताप। कैसे भी करके हम और अजब्दी पुरोहित जी और सौभाग्यवती को चंबल नदी के घाट पे लेकर आएंगे और फिर वहाँ से कुंवर प्रताप नकली डाकू बनकर सौभाग्यवती को उठा लेंगे। क्या? ये कैसी मूर्तापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? चक्रपाणी, आप इन पर विश्वास करने की बात कर रहे थे हमसे? शांत बाबूजी, शांत। देखिए फूलकंवर भाई साहब, ये हमारे बाबूजी प्रताप, ये स्वप्न में भी अनुचित या अमर्यादित कार्य को करने के लिए सोचते भी नहीं, और वास्तविकता में ये डाकू कभी नहीं बनेंगे। वैसे इतने समय तक अजब्दे के साथ रहते रहते इतना आभास तो हो ही गया था हमें कि कुंवर प्रताप इसके लिए ना ही बोलेंगे, दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए एक और योजना है हमारे पास। यदि कुंवर प्रताप डाकू नहीं बन सकते तो उनके मित्र तो बन सकते ना नकली डाकू। अच्छा ये सब छोड़िए, योजना के पहले मूल पे आ जाइए। एक बार सौभाग्यवती का अपहरण होने के बाद सीधा मंदिर में हमारा विवाह, ठीक? नहीं। अरे सौभाग्यवती का अपहरण होने के बाद आपको उन्हें नकली डाकुओं से भी तो बचाना है ना चक्रपाणी। हाँ, और ऐसा करने से सौभाग्यवती के मन में आपके लिए आदर और सम्मान बढ़ जाएगा, और फिर पुरोहित जी के सामने आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा और मान फिर सर्जित कर लेंगे। बाबूजीराज, ये योजना तो हमें अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? पता नहीं, हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर। शिक्षिका जी, कहिए। हम कहना चाह रहे थे कि ये जो राजमहल है ये अपने आप में एक अच्छी खासी भूल भुलैया है। बड़े बड़े लोग खो चुके हैं इस महल में, किंतु अच्छी बात यह है कि आपकी समस्या को हल करने के लिए आपके साथ जालम सिंह है सर उठा के। आप किस समस्या की बात कर रहे हैं? देखा कितनी भोली है आप। देखिए जिस दिशा में आप जा रही हैं उस दिशा में फूल कवर का नहीं कुंवर प्रताप का आवास है, और कुंवर प्रताप का तो दूसरा अर्थ ही समस्या है। छोड़िए ना। अरे ऐसे क्यों छोड़ दें हम आपको? हमारा मतलब यह है कि यदि हमारे होते हुए आप किसी समस्या में पड़ गए तो हमारे तो होने का अर्थ ही व्यर्थ हुआ ना सर उठा के। अरे देखिए। नहीं, अब तो आप हट कर रही है, हम अपनी आंखों के सामने आपको शेर की मान में जाते हुए नहीं देख सकते। हम स्वयं लेके चलेंगे आपको फूलकंवर के कक्ष में, चलिए ना। अरे पर। चलिए ना, हट मत कीजिए, चलिए हमारे साथ, चलिए। आप हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हम इस बार सच में चक्रपाणी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हम कैसे विश्वास करें कि इस बार आप कोई नया षड्यंत्र नहीं कर रही है? नहीं नहीं, इस बार फूल सचमुच आपके मित्र का भला करना चाहती है। आपको विश्वास है? ठीक है तो फिर। वैसे आपको मनाने की चाबी का पता हमें लग गया, और उस चाबी का नाम है अजब्दे। चंबल नदी के अभियान के लिए। तो करना हमें यह है, हम मेवाड़ की सरहद से दाखिल होंगे और ज्यादा से ज्यादा इलाकों को हासिल कर लेंगे। हुजूर, जो इलाका मेवाड़ में आप बता रहे हैं ये बिजलिया के बहुत करीब का इलाका है, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मेवाड़ का शहजादा प्रताप वहां मौजूद है। मुक्तसर में, यही तो मुगल बादशाह अकबर का मकसद है। हम कुछ समझे नहीं हुजूर। बिजोलिया मेवाड़ की एक रियासत है, और जब हम बिजोलिया के सरहदी इलाकों को हथियाने में लग जाएंगे तो प्रताप को भी अपने सरहदी मसलों में उलझना पड़ेगा, और जब वो बिजोलिया में अपने सरहदी मसलों को लेकर जूझ रहा होगा तब अकबर उसे बिजोलिया में खामोशी से मरवा देगा। मगर हुजूर, हम उसे पहले मरवा दे तो? वल्ला हम बेखोश
हमारा बिरादर अकबर भी खुश। तो इस पर्वत के नीचे वाला सारा क्षेत्र बिजोलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है ना बाबूजी? जी बाबूजी राज। हमें संदेह है बाबूजी कि अफगान फिर से इस क्षेत्र में घुसपैठ कर इस धरती पर अनाधिकृत अधिकार जमाने की चेष्टा में होंगे। राव जी, हम यही आशा करते हैं कि सीमाओं की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में आप अवगत होंगे। उस महमूद शाह पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। चंबल नदी कहते हैं इस दरिया को यहाँ के लोग। मेवाड़ और हमारे इलाके को यही दरिया बांटता है। इस दरिया के इधर हमारा इलाका और इस दरिया के उधर मेवाड़ का इलाका। इस मुहिम में सबसे पहला काम यह होगा, इस दरिया को अपने इलाके में शामिल करेंगे। हुजूर, हम सब तैयार हैं चंबल नदी मुहिम के लिए। लो, देखो, यहाँ खड़ेंगे। जब इनके मित्र को इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब राजकाज के काम मिल जाए। गणी खम्मा, आप लोग बातचीत कीजिए, हम चलते हैं। हमें कब कहाँ क्या करना है इसका ध्यान रखने की हमें बचपन से आदत है। किसी को हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। चक्रपाणि, हमें इस योजना के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इच्छा अनुसार सफलतापूर्वक डाकुओं की भूमिका निभा सके। वो सब हमने सोच लिया है। फूल, उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या बात करने दी? जब सारी योजना हमने सोच विचार के बनाई है, तो उसे मूर्त रूप कौन देगा? हम ही देंगे ना। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए, क्या जानती है आप डाकुओं के बारे में? डाकू हमारे सैनिक बनेंगे क्योंकि वे बड़े निर्भीक और बहादुर हैं। नहीं नहीं, आपके सैनिक नहीं, वे किसी काम के नहीं है। क्या तात्पर्य है आपका? हम उस एक भी सैनिक पर विश्वास नहीं कर सकते जिसे जालम सिंह ने बनाया। जो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके बनाए हुए सैनिक भला क्या कर लेंगे? क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हमें आपके सैनिक नहीं चलेंगे। एक तो जब हम योजना बनाते हैं तो आप वहाँ उपलब्ध नहीं रहते, और फिर क्या खड़े करे हमारे प्रयासों में आप मीन भी निकाल रहे हैं। नहीं राजकुमारी जी, बाजीराज तो बस रहने दीजिए, हम तो केवल आपकी सहायता करने की चेष्टा कर रहे थे। पर यदि आपको हमारी सहायता नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें क्या पड़ी है ऐसी? आपकी समस्या है आप ही सुलझाइए, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं करने को। हमारी छोटी बहन जैसी है राजकुमारी फुलकवर, हमें प्रेम से वो कुछ भी बुला लेती है। बहुत अधिकार जमाती है ना हम पर सर उठा के। दादा भाई जालम सिंह, चलिए 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 चलिए। दादा भाई, हम कब से पुकार रहे थे आपको दादा भाई, अरे आप यहाँ घूम रहे? कहाँ है हमारी नृत्य शिक्षिका जिसे हमारे बड़े दादा ने भेजा था? आपने अभी तक मिलाया क्यों नहीं हमें उनसे? आप बस दूसरों के मामले में पड़ते रहते हैं दादा भाई। शांत हो जाइए फूलकवर, शांत हो जाइए। अब ये रही आपकी नृत्य शिक्षिका लाल भाई जी, हम इन्हें आप ही के कक्ष में लेकर आ रहे थे, है ना? हुकुम। अम्मा गणी, ये दोनों कुंवर प्रताप से मिलना चाहते हैं। हम क्या आपको कुंवर प्रताप दिख रहे हैं? कुंवर प्रताप वहाँ है अपने कक्ष में, वहाँ ढूंढिए उन्हें। यानी ये मुझे कुंवर प्रताप तक पहुँचा सकते हैं। लाल भाई जी, आप कहाँ जा रही हैं? देखे ऐसे है हमारे ये मित्र, आपने देख लिया ना, फिर से इन्होंने नाराज कर दिया फूलकवर भाईसा को। अब हम कैसे बढ़ेंगे आगे इस योजना में? आप तो अपने पिताजी के सामने अपना मुंह खोलती ही नहीं,
तो फिर उनसे नकली लड़कों बनाने के लिए सैनिक मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। चक्रपाणि, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हमें चाहिए नहीं किसी के सैनिक। आप तो रहने दीजिए बाजीराज, नहीं चाहिए किसी के सैनिक। आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि हमें कोई सैनिक नहीं मिला तो फिर डाकू कौन बनेगा? हमारे बड़े बाजीराज, आपके मित्र आए हैं आपसे मिलने के लिए। उन्हें भीतर भेज दीजिए। आ गए डाकू। डाकू? वो हमें योजना पूरी करने के लिए डाकू की आवश्यकता तो थी ना, तो इसीलिए हमने अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों को बुलवा लिया था। हमारी नृत्य शिक्षिका होकर आप कुंवर प्रताप के पुत्रों के पीछे क्यों जा रही हैं? नहीं नहीं, हम तो वो क्या नहीं नहीं हम तो बस क्यों नहीं कह देती कि दूसरे लोगों के भांति आप भी कुंवर प्रताप की प्रशंसक हैं। शांत हो जाइए फूलकंवर, शांत हो जाइए। ऐसी बात नहीं है, ये तो कब से आपको ढूंढ रही थी, बार बार पूछ रही थी कि फूलकंवर कहाँ है, फूलकंवर कहाँ है, सर उठा के। वैसे सच बोले तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है आज। लाल भाई जी, आप कल सुबह आइएगा हमारे पास। अरे नहीं नहीं, हमें क्षमा कीजिए। लाल भाई जी, हमने कहा कल सुबह। हम आ गए। गणी खम्मा, खम्मा गणी चक्रपाणि। गणी खम्मा मतलब हम जिस समय योजना के हर अंक पर विचार विमर्श कर रहे थे, आपने इतने आगे सोच ली। दुर्दार वीरदास को बुलवाकर आपने समस्या का ठोस उपाय निकाल ही लिया। हम अभी जाके फूल को बताते हैं कि समस्या का हल मिल गया है। ये विवाह करने का निर्णय तो आपने बड़ा खूब ले लिया। अब छोरे आस परियास और विषय पर आ जाइए। हाँ हाँ बताइए, क्या योजना है? हाँ, योजना के सबसे पहले चरण के अनुसार अजबदे और फूल कल राजपुरोहित जी के घर जाएंगे। तब तक आप दोनों डाकुओं का भेष ले लेंगे। चलिए लाल भाई जी, हम आपको अतिथि गृह तक ले चलते हैं, यही राजमहल के बाहर ही है। हमें अपनी रहने की जगह तक पहुंचने का रास्ता पता है। कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके पीछे पीछे आएंगे सर उठाकर। फूल, कल सुबह तो आप अपना नृत्य अभ्यास कर ही नहीं पाएंगे। ये भी कुंवर प्रताप का हुक्म है क्या? नहीं नहीं, वो तो कल सुबह हमें जाना है ना नदी के किनारे आपकी योजना के लिए। नहीं अजबदे, अब बस बहुत हो गया योजना, अब कुछ नहीं। अरे फूल, पर कुंवर प्रताप ने बुला भी लिया है अपने मित्रों को नकली डाकू बनने के लिए। क्या? और नहीं तो क्या। और देखिए, हम तो सोच रहे थे उनकी कोई रुचि ही नहीं आपकी योजना में। अब जब सारे कार्य कुंवर प्रताप ही कर रहे हैं तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है? आपके बिना कोई काम हो सकता है क्या? तुम अभ्यास कर रहे हो जैसे कि आपको किसी युद्ध भूमि में जाना हो। सौभाग्यवती को डाकुओं से बचाना हमें। देखो चक्रपाणि, आप हमें वापस सच में मत मानना, हम आपके मित्र हैं ना। मित्रों, अब चक्रपाणि के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे सौभाग्यवती को देखते ही अपनी सूझबूझ खो देते हैं। हे किंग जी, ये तो फिर हमारे लिए खतरा है। खतरा? तो फिर हम तो वहां जाएंगे ही नहीं। अगर वेनी दास नहीं जाएगा तो हम भी खतरा नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए मित्र, यदि हमारे हाथों आपको एक भी लग गई तो हमें एक की बजाय 10 मार देना। परंतु हमारे सौभाग्यवती का वन जीतने की योजना पर पानी मत फेरना।
घबराओ मत चक्रपाणि, हम सबको अपनी अपनी भूमिका पता है, हम सब आपका साथ देंगे। सारे सिपाही जितनी दूर तक फैल सकते हो फैल जाओ और हमारे अफगानी झंडे से एक नई सरहद बनाओ और साथ ही साथ फौरन हमारी सरहदी फौजी चौकी बनाओ। जल्दी करो। हुजूर, अगर उनके गश्ती सिपाही हमसे टकरा गए तो उन्हें यहीं जमीन में गाड़ दो और उनकी कब्रों पे अफगानी झंडे फहरा दो। समझ गए? जी हुजूर। हाय हाय लाल भाई, नर्तकी साहिबा, चलिए चल के हम कुंवर प्रताप का तई करते हैं। आप नहीं आ रहे मेरे साथ? या पूछ रही हैं, कह रही हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे आप कह रही हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती? क्योंकि आपको आपकी जुबान पर काबू रखना नहीं आता। यहाँ आते ही पहली नजर में राव मामलक को आपको आपकी जुबान दराजी की वजह से पहचानने ही वाले थे। मैं फिर से कोई और खतरा मोल लेना नहीं चाहती हूँ। मानते हैं हमसे चूक हो गई, लेकिन तो चूक को सुधारने का भी प्रयत्न हमने किया था और खतरे की बात से ही हम आपको कह रहे हैं कि आपको खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। इसी हेतु आपको हमें अपना अंगरक्षक बना के अपने साथ ले चलना चाहिए। सुनिए तो। आइंदा से मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत मत करना सुल्तान सिंह। हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम आपको पल्लू पकड़ के धीरे धीरे आपके पीछे पीछे चलेंगे। कृपया हमें अपने साथ ले चलिए। देखिए हम मानते हैं आपको हमारी आवश्यकता नहीं, किंतु हमें अकेले डर लगता है, हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया कृपया हाथ छोड़िए और हाथ दीजिए, छोड़िए दीजिए। हे भगवान, कहीं कुंवर प्रताप के तेज से आने से हमारी सारी योजना पे पानी ना फिर जाए। धैर्य फूल, हम भी आ रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, वो नदी के घाट पर पूजा करने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम भी चलेंगे आपके साथ। ये लड़के कौन हैं? कहां से आए हैं? कोई बात नहीं, हम स्वयं पूछ लेंगे। ए, कौन हो तुम लोग? अपना परिचय दो, कहां से आए हो, कौन से रजवाड़े से हो तुम लोग? इनके साथ असभ्य भाषा का प्रयोग करने का दुस्साहस मत कीजिए जालम सिंह। ये हमारे मित्र हैं और आपके लिए इनकी इतनी ही पहचान पर्याप्त है। हाँ तो ठीक है, किंतु राजकुमारी फूलकंवर की सुरक्षा के लिए सहाय की तरह उनके साथ हमें रहना तो पड़ेगा। आपकी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हम अकेले ही पर्याप्त है जालम सिंह जी। तो ठीक है, यदि आप उनकी सुरक्षा देख रहे हैं चलते हैं सर उठा के। अब चलिए शीघ्र, क्यों कर रहे इतनी देर? ठहरिए। इनके लिए आप अंदर जा रही हैं? वो जा चुकी है। पर राजकुमारी फूलकंवर ने मुझे बुलाया था आज सुबह। हाँ, किंतु अब वो राजपुरोहित जी के गांव जा चुकी है और ये सब कुछ कुंवर प्रताप के कारण हो रहा है। मतलब
कुंवर प्रताप भी राजकुमारी फूलकंवर के साथ गए हैं? और नहीं तो क्या, फूलकंवर की सुरक्षा का काम हमारा है, किंतु हमें लगता है कि वो हमसे हमारा काम छीनना चाहता है। हम भी देख लेंगे उन्हें, एक बार मारवाड़ पहुंच जाए उसके पास देखते हैं कि वो क्या करते हैं हमारे साथ सर उठा के। हम क्या करें उनके साथ? सुल्तान सिंह, मुझे फौरन उस काम ले चलो। मैं यहाँ बैठकर इस रूम में प्रताप का इंतजार नहीं कर सकती। हम उससे वही मिलेंगे। रोहित जी, आप उचित समझे तो हम सौभाग्यवती को अपने साथ नदी पूजा में ले जाने का आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आप अवश्य ले जाइए अपने साथ में, क्योंकि आपके साथ में रहकर सौभाग्यवती और भी गुणवती हो जाएगी। धन्यवाद पुरोहित जी। अरे फूल कहाँ चली गई? हमें लगता है वे हमारे साथ चलना नहीं चाहती। उन्होंने हमसे कहा था कि वे हमारे आम के बाग देखना चाहती है। देखने दीजिए ना उन्हें आम के बाग, हम जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए। वाह अजबदे, वाह, क्या अभिनय किया है, 100% अंकों से उत्तीर्ण। ऐसा क्या हुआ भाई साहब? वो हमें भी नदी पे पूजा के लिए जाना था, पर हमने अभी अभी देखा अजबदे और सौभाग्यवती को दूर जाते हुए। हमारी कितनी इच्छा थी उनके साथ जाकर नदी की पूजा में भाग लेने की, पर अब हमें अकेले अकेले क्या करेंगे? अरे वे दोनों अभी आ जाएंगे। नहीं नहीं पुरोहित जी, हमारा सच में बहुत मन है उस नदी की पूजा में जाने का, और उस दिन हमसे जो अपराध हुआ था आपके प्रति उसका प्रायश्चित भी तो करना था ना हमें, किंतु अब हमें लगता है कि भगवान ही हमें क्षमा करना नहीं चाहते। अरे अरे रोइए मत भाई साहब, आप अभी भी जा सकती हैं नदी पे। किंतु पुरोहित जी, हम अकेले कैसे जाएं? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। सच? धन्यवाद पुरोहित जी, आप कितने अच्छे हैं। इस पूरे गांव में पुरोहित जी का घर कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाएंगे या आप पता लगाएंगे? आप पता लगाएंगे। खुले आम प्रताप को खोजने की योजना जो आपने बनाई है, ये जान लीजिए जान, हमें बात हजम नहीं हुई। हमारे हिसाब से आपको प्रताप तब मारना चाहिए जब वे सो रहे हो। आप जा रहे हैं या नहीं? बहुत डांटती है, किंतु हमें वहां यदि कुछ हो गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। चलो चलो, हमें जल्द से जल्द चंबल नदी के आसपास का ज्यादा से ज्यादा इलाका जाना। और हाँ हाँ, जो भी नदी के पास पहले आए हमारा पहला शिकार वही बन जाएगा, और हमारा यही शिकार ये खबर फैला देगा कि अब इस इलाके पर अफगानों का कब्जा है। उम्मीद है कि ये खबर जंगल की आग की मानिंद प्रताप तक जाएगी। इंशाल्लाह वो फड़फड़ाएगा, और यही तो हमारे हुजूर महमूद शाह चाहते हैं। समझ गए सब? जी हुजूर। देखिए, जैसे ही सौभाग्यवती अपनी पूजा समाप्त करके जाने लगे, आप दोनों उसे अपने अश्व से घेर लीजिएगा। और हाँ, सौभाग्यवती को यही आभास होना चाहिए कि वे चारों ओर से डाकुओं से घिरी हुई। पर हाँ, उसे बहुत अधिक डराना मत। नहीं नहीं बहुत, उसे थोड़ा डरने दीजिए ताकि हम उसे बचाने जाए तो और बड़े वीर बन जाए। पर किसके पद चिन्ह? ओहो बाजीरथ,
इस समय तो कम से कम हमारे बारे में सोचे, थोड़ा ध्यान लगा कर। आप सब यहीं रुके, हम अभी देख कर आते हैं। कौन है जो इतने सारे अश्व और व्यक्ति को लेकर आया होगा यहाँ? कौन हो सकता है? बाबूजी राज, हम सौभाग्यवती का अपहरण करके उन्हें लेकर जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता उनके अपहरण के बाद उन्हें क्या खिलाएंगे और कहाँ से लाएंगे। और पुरोहित जी को भी कौन बोलेगा कि उनकी पुत्री का अपहरण हो गया है। यह अपहरण योजना असफल रहेगा, देख लेना। हाँ, हम निश्चित रूप से राजकीय बंदीगृह पहुँच जाएंगे। अरे आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप लोगों को सचमुच थोड़ी ना अपहरण करना है। मात्र चक्रपाणी की होने वाली पत्नी को बस डाकू की भांति डराना है, ताकि चक्रपाणी सौभाग्यवती को आप दोनों से बचाने का दिन रात नाटक बन सके। बस मात्र नाटक करना है, सचमुच अपहरण नहीं करना है। समझ गए। हाँ हाँ, देखिए यदि हम सौभाग्यवती के सामने आपको थोड़ा मार भी देना, थोड़ा मार। हाँ, और वहाँ अपना शौर्य दिखाने के लिए चक्रपाणी को मारिएगा मत, क्योंकि सौभाग्यवती की दृष्टि में हमें चक्रपाणी को नायक बनाना है। हाँ, हम नायक हैं और आप दोनों खिलना है। हाँ। क्या बात है अजबदे, हमने सैनिकों और दासियों को दूर ही रुकवा दिया ताकि वे कुंवर प्रताप और उनके मित्रों से ना लड़ बैठे। परंतु जाने क्यों हमें इस बात का भान हो रहा है, कोई अनहोनी होने वाली है। अनहोनी? कैसी अनहोनी अजबदे? अरे फूल और दाता भी आ गए। खमा गनी पुरोहित जी, घड़ी क्यों? अच्छा हुआ जो आप यहाँ पे आ गए फूल कोर के साथ। अब आप आएंगे तो हमारे माइक दर्शन करें इस पूजा में। आपको तो पहले से ही सब कुछ आता है भाई साहब। अरे ये झंडा यहाँ कहाँ से आया? पुरोहित जी आ गया होगा बहकर, अब तो आप उस पर ध्यान दीजिए जो होने वाला है। क्या होने वाला है? पूजा और क्या? बाबूजी दास, जब हम उनके साथ डराना और ये सब नाटक करेंगे तब आप हमारे निकट तो रहेंगे ना। वो क्या है ना, आपके निकट होने के अनुभव से ही हमें नैतिक बल मिलता है। बाबूजी दास रहेंगे आसपास। मित्रों, हमें इसी समय कुछ पता लगाना है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग पर कोई संकट नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। साधारण सी योजना है। अरे ये क्या बाजीराज, ये हमारे सामने जीवन मरण का प्रश्न है और अब हमें ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर। मित्रों, हमने कहा ना, आप लोग योजना के अनुसार अपना अपना कार्य कीजिए। और फूल और अजब दी तो सौभाग्यवती को लेकर पहुंच भी गए होंगे वहाँ। चलिए आप लोग चलिए। चक्रपाणी, आप कहाँ चले इनके साथ? आप नायक हैं और नायक संकट आने से पूर्व नहीं, संकट आने के बाद प्रकट होते हैं बचाने के लिए। चक्रपाणी, इन डाकुओं को कुछ करने का अवसर तो दीजिए। हाँ बाजी राज। ये आप क्या देख रहे हैं बाजी राज? कभी देखे नहीं क्या पदचिन्ह पहले? ये साधारण पदचिन्ह नहीं दिख रहे हैं, लगता है जैसे एक बड़ा घुड़सवार का झुंड निकला है यहाँ से। कौन हो सकते हैं ये लोग? सुनिए। क्या है? बिजोलिया में पुरोहित जी का घर कहाँ है? वे अभी किसी से मिल नहीं सकते। क्यों? वे नदी किनारे गए हैं। और क्षमा चाहते हैं, पर हमें भी जाना होगा क्योंकि हमें देरी हो रही है। गौर,
गौर्धन जी बावड़ा हो गया। पुरोहित जी के घर का पता चल गया है, उस ओर है, चलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहां नहीं जा रहे। तो हम कहां जा रहे हैं? हम नदी के किनारे जा रहे हैं। नदी के किनारे? आप हमारे साथ नदी में स्नान करेंगे? नदी में और क्या करते हैं? कपड़े धोऊंगी। जल्दी चले बाजीरथ, जल्दी चले, ऐसा ना हो कि सौभाग्यवती आवश्यकता से गिर जाए। चक्रपाणी, वो देखिए क्या है। कुछ भी तो नहीं, बस इसे थोड़ी सी धरती खोदी है। चलिए ना बाजीरथ, अन्यथा देर हो जाएगी। नहीं, आप चलिए, हम पता लगा कर आते हैं। न जाने क्यों कुछ अनुचित सा लग रहा है। एक बात पूछूं भाई साहब, आप दोनों इतनी गुणी संस्कारी हैं, समझदार हैं, इतनी विधिवत ढंग से पूजा कर रही हैं, फिर उस दुष्ट मूर्ख और छली चक्रपाणी से कैसे मित्रवत हो गई आप? अजब्दे, अभी तक की डाकू क्यों नहीं है? हमें तो चक्रपाणी की प्रेम कथा का अंत लग रहा है। हम जल लेके आते हैं। अरे ये अफगान सिपाही, ये हमारे बिजौलिया में कहां से? ये तो दो से अधिक और सवाल है। तुम लोग इस नदी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दबा दो यहाँ से, नहीं तो हम तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। पर ये मेवाड़ की नदी है। अरे वाह, इतनी कम उम्र होने पर भी देखो तो जुबान कितनी कैंची की तरह चल रही है। शाही खानदान की लगती है। चलो इनको पकड़ कर ले चलते हैं। एक पग भी आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। और फेंक। आप लोग यहीं पर हो अभी तक? अरे ये लोग कौन है? जो भी है अब हमसे नहीं बचेंगे। हे एकलिंग जी, किसी ने बिजोलिया के सैनिक को मारकर धरती में गाड़ दिया, कौन हो सकता है? रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। पहले हमसे मुकाबला करो, घुसपैठ हो। अरे हट जा सामने से, ये नदी हमारी है और ये जमीन भी, दिखता नहीं हमारा अफगानी झंडा? नहीं मानते हम तुम्हारी चौकी को, नहीं हम मानते तुम्हारे इस अफगान झंडे को। एक ही व्यक्ति है जो अब हमें बचा सकता है। कौर प्रताप! कौर प्रताप! जब्दे? किसे आवाज लगा रही थी? देख हमारी ताकत है, किसी में हिम्मत,
तो तुम लोगों को हमसे बचा सके। जान की सलामती चाहिए तो खुशी खुशी साथ चल दो हमारे। देखो तुम जानते नहीं कौन है, यदि हमारे बड़े दादा को पता लग गया ना तो खाल उगड़वा देंगे तुम लोगों की। पुल, क्या कर रही है? नहीं अजबे, जो अपनी सीमा भूल जाए ना उसे अपनी सीमा याद दिलानी पड़ती। हुजूर, इसकी हिमाकत तो देखिए, हमें ललकारने की जरूरत। तो जब इसने हमारी शान में गुस्ताखी कर ही दी है तो क्या इसका मुंह ताकते रहेंगे? याद दबोच लो इसे। वैसे भी ज्यादा परवाज भरने वाले परिंदे के पर को कतरने का मजा बेइंतहा होता है। जाओ पकड़ो इसे। फूल पीछे हटिए, फूल हमारी बात मानिए, फूल पीछे हटिए। हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता उसका हाथ काट देता।